मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं आई थी बाहर पता करने के लिए, क्योंकि हमने ये वाला होटल छोड़ के जो नया दूसरा होटल लिया है, होटल एस्कॉर्ट, वहाँ पे चेक इन करना है। तो देखने आई थी कि यहाँ जाने का क्या है, कन्वेंस मिलता है या हमें कुछ, हमें जाने के लिए कुछ हेल्प मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से कितना ट्रैफिक जाम है। यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। इसी वजह से हम लोगों ने साइट सीन्स भी नहीं किए, क्योंकि एक एक साइट सीन, दो दो साइट सीन करने में पूरा डे स्पेंड हो रहा है। तो इट्स बेटर टू एक्सप्लोर दार्जिलिंग ओनली। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, 11:30 के करीब हम लोग यहाँ बस यहाँ पे मतलब टैक्सी स्टैंड है वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ से फिर एक टैक्सी लेके अपने न्यू होटल जाएंगे। सो मॉर्निंग में हम लोगों ने 12 बजे चेक इन कर लिया था न्यू होटल में, और बस अभी हम लोग फ्रेश होके थोड़ा मार्केट निकले हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया बच्चों ने, और यहाँ पे ना बड़ी फेमस मार्केट है महाकाल मार्केट, तो बस हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पे अच्छा, बहुत ही मतलब तिब्बतन सामान मिलता है, चाइनीज़ और इम्पोर्टेड सामान मिलता है। तो चलिए मैं आपको उस मार्केट में लेके चलती हूँ। सो ये है महाकाल मार्केट, यहाँ की लोकल मार्केट है, बट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेड सामान बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। और ये एक फेमस ड्रैगन मार्केट है, यहाँ पे भी आपको चाइनीज़ और इम्पोर्टेड सामान बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये सारा माल रोड की तरफ जो वे है ना, उसके साइड में सारा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। बट ये जो मार्केट मैं आपको दिखा रही हूँ, ड्रैगन मार्केट और ये महाकाल मार्केट, ये तब से पुरानी मार्केट है जब हम लोग छोटे यहाँ होते आते थे। हेलो मैम, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आप भी मतलब बहुत प्रेजेंटेबल लग रहे हो शॉप पे ना, जैसे कई लोग बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं। थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से। स्मार्ट है ये भी। हाँ, ये 16 में ठीक। मैं तो लेती हूँ ना बड़े बड़े बैग, इसलिए ले रही हूँ। 16 में ठीक है। हाँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ। ये व्लॉगर है ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर मेरे को व्हाइट पर्स नहीं पसंद आते। ये व्हाइट से पर्स, व्हाइट का एक अलग ग्रेस भी आ रहा है। जरा सा भी कोई दाग लग जाता है ना, साफ नहीं होता। ये सिर्फ फंक्शंस के लिए है, घर में ऑफिस के लिए नहीं है। ये नहीं, थोड़ा डेलिकेट से क्लीन करके यूज कर सकते हैं, है ना। ड्रैगन मार्केट से हमने छोटी मोटी शॉपिंग की है, रेट थोड़ा बहुत बार्गेनिंग ये लोग कर लेते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, एंजल शायद डोमिनोज बैठी है, उसको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा आप शुरू करो बेटा, मैं आती हूँ। साइट सीन्स हम लोग गए नहीं, क्योंकि ट्रैफिक होने की वजह से बहुत ही टाइम कंज्यूम हो रहा था। आप अगर 2 या 3 साइट सीन करते तो पूरा डे कंज्यूम हो रहा था। तो हमने सोचा कि हम दार्जिलिंग ही पूरा अच्छे से घूम लेते हैं। वेदर बहुत अच्छा है, आपको कुछ गर्म कपड़ा पहनने की वैसे ज़रूरत नहीं है, प्लेजेंट है। तो बस मैं आगे मार्केट की तरफ जा रही हूँ, आपको आज मैं यहाँ की सारी मार्केटें दिखाऊंगी।
ये दार्जिलिंग का मॉल है, अंदर चल के देखते हैं। अब यहाँ तो छोटा ही मॉल मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू दिल्ली नोएडा। मम्मी, हिल स्टेशन होने के बावजूद भी इतनी स्पेस में मॉल बन गया है, यहाँ के आपको लगेगा नहीं वैसे आप दार्जिलिंग में हो। फर्स्ट फ्लोर कह रहा था निप्पी, चलो की शॉप तो आपको यहाँ पे हर जगह मिलेगी है ना। और इतने सुंदर ये कैटल्स भी हैं, टी सॉसर्स। ऐसा लग रहा है पहना हुआ, देखा पीछे हो ना थोड़ा, देखा सामने से थोड़ा लंबा कर लेना, बहुत छोटा ही है। मम्मी कहाँ से लिया? ये पीछे शॉप से लिया है। ठीक लग रहा है साइज वाइज है, कुछ भी सामान लो इसमें आप डाल सकते हो ना। आ जाओ पकड़ ले, तूने तेरे को पकड़ने, तू पकड़ ले, पकड़ने के लिए हानि करो। कुछ खाना है? खाना है? आगे ना बड़ी अच्छी एक ना स्वीट शॉप है क्वालिटी की, उसके पास। हाँ हाँ आ जाते को वहाँ से कुछ खिलाती हूँ, वहाँ पे राज कचौरी वगैरह भी थी। मम्मी ये वाला मैं आपको बोल रही थी, स्वीट्स एंड स्नैक्स, मेरे को ना ये मतलब खाने में अच्छा लगा, हल्दीराम जैसा है। मैं फ़ोन कर दूँगी ना, वो कर लेंगे फ़ोन में, तो नहीं बैठने का नहीं है। भैया प्लेट्स में डाल देना कि अभी हम बैठ के खा लें। हाँ ये सब क्या है? ये उसकी जेलीज है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दही भल्ला लिया है, पापड़ी चाट लिया है, एंजल ने अपने फेवरेट मोमोज, और ये वड़ा पाव। चटनी वटनी अच्छे से डाल देना भैया। हाँ वाह मम्मी, आपको तो बड़ी अच्छी जगह मिल गई बैठने की। ये सामने ट्रैफिक आ रहा है रोड साइड पे, ये बेंचेस लगे हैं। हाँ और ना इस शॉप का सामान बड़ा स्वाद है, खा के जाओ है ना। सो ये एक और डाउन स्टेयर्स में यहाँ पे तिब्बती मार्केट है। तो बस सारी मार्केट आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कुछ समझ आ रहा है छोटा मोटा आइटम ले रहे हैं। मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, और यहाँ कितना ज़्यादा क्राउड भी है। बस अपना पैर संभालते रहो और चलते रहो। ये साइड में ना स्टोर्स भी हैं अच्छे अच्छे, आप बैग्स की और बाकी चीज़ों की भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये गिफ्ट आइटम की शॉप है, ज्वेलरी स्टोन्स पर्ल्स की, बीड्स की है। नेपाली लोगों का ना ये मतलब बहुत फेमस होता है ये बीड्स पहनना, तो ये वहीं के ओरिजिनल बीड्स होते हैं, इनको ये लोग गले में पहनते हैं और काफ़ी मोटा मोटा लेयर पहनते हैं। ये उसी का स्टोर है। ₹50 का एक स्ट्रिंग है, मतलब आप इसको 3-4-5 जितना भी ज्वाइन करके बना के पहन सकते हैं। ये हैंडी फोल्डेबल बैग्स, कपड़े, शॉपिंग बैग, लोअर्स, शूज। नीचे तक मार्केट है, ये भी शायद कॉम्प्लेक्स में है। तो मैं देखती हूँ भी मम्मी लोग क्या देख रहे हैं। की चेन्स आपको हिल स्टेशन में ज़रूर मिलेंगे। क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो रही है? और ये कप शेप के ये देखे थे ना एंजल, ये बड़े क्यूट है ना। एग्जैक्टली ये क्या है? ये वो है मैग्नेट वाले, फ्रिज मैग्नेट है। और ये भी नेपालियों का कुछ फेमस गिफ्ट आइटम्स हैं। ये भी क्या बोलते हैं इनको, शैंडलियर्स, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या विंड चैंड बोलते हैं ना, विंड चैंड जो भी है। इनके लिए पाउच देख,
नहीं ठीक है। क्या देखते हो? अरे यहाँ पे ना बड़े अच्छे फोल्डिंग बैग्स हैं, ये छोटे साइज में मम्मी इन जगह ले लो दूध लेके आने के लिए। अरे तो कोई नहीं जाती मम्मी, आ जाएगा इसमें 1 लीटर दूध। प्यार ना प्यार देखो पहले प्यार अपने स्टूल का तो जो भी है। क्रॉक्स रुक तो जाओ ना, कर रही है रहने तो, जबरदस्ती लोगे क्या? सही देख रहा हूं। अपरा तू भी क्रॉक्स देख ले, मेरे को भी लेने हैं। सो ये मार्केट घूमते घूमते हम कितनी डाउन स्टेयर चले गए हैं, अब जब चढ़ने की बारी आएगी ना तब पता लगेगा। मेरे को लगता है हम तो पूरे माउंटेन को नीचे तक। उनका आप आ जाओ ना मेरे पीछे पीछे, बोलते हैं इनसे पहले हमारी नंदे, इनसे बड़ी बड़ी हमारी, वो सभी क्या मीटिंग हो रही है? अपरा क्या मीटिंग हो रही है? अच्छा ये स्टूल का मामला है बैठने का, मैं समझ गई। मैंने बड़े अच्छे शूज भी लिए, स्पोर्ट शूज बड़े अच्छे रेट के मिल गए। इंजन ने ये जो लिए ना नींबू वाला बड़ा खट्टा है, तो यहाँ पे ऐसे छोटी मोटी आइटम्स भी बहुत आपको मिल जाएंगी, इवन बड़ी आइटम्स भी, और नेपाली चाइनीज इम्पोर्टेड सामान होता है, आप बार्गेनिंग, कोरियन सामान भी है, आप इजीली बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। नहीं तो 2-3 शॉप्स में आप रेट पता कर लो, जहाँ आपको ठीक रेट मिलता है वो ले लो आप। घर से बना के लाते हो? अच्छा है। और क्या, मार्केट से उतना। मेरे को भी दे दो एक, मेरे को भी दे दो। तो ये हमने अभी गरम गरम चाय की प्याली ली है, और ये घर की बनी चाय बहुत ही टेस्टी है। यहाँ की ना चाय की पत्ती में ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छी महक आती है, नहीं लगता बार बार पीने का। कितना क्यूट है, अरे ना करो गुस्से में आ जा। किरत किरत पकड़ के देखो, गोदी कैसे उठा रहा है ये बच्चा। मालिक रहता है और वो ताला मार के चला गया है, और ये तब से ना उसको आपको ऊपर जाना है। करो कैसे कर रहे थे, ये देखो शैडो भी करता है ना। हाँ मैंने जाइंट्स को ना इतना बड़ा साइज ही देखा है। हाँ इसमें कलर भी है। तो ये होटल एस्कॉर्ट है जहाँ पे हम लोगों ने आज चेंज करके दूसरा रूम लिया था।
कल वाले से तो काफी बेटर है। एक्चुअली यहाँ पे रूम्स मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल ओवर पैक हुआ हुआ है दार्जिलिंग। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं नाइट व्यू लेने के लिए दार्जिलिंग का। मैं और एंजल आए हैं और ठंड हो रही थी इसलिए हमने ये गर्म वाले नाइट सूट पहन लिए, फ्लीस वाले नाइट सूट पहन लिए हैं, क्योंकि एंजल मुझे कह रही थी कि मम्मी वो जो रेलवे स्टेशन के नीचे आप लाइटिंग नाइटिंग कह रहे थे ना वो मुझे देखना है। तो बच्चों को तो हम लाए नहीं है, बस मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ। नाइट व्यू में सारा हिल स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, आपको दूर दूर तक घरों में लाइट दिखती है। तो बेसिकली मैं वो एंजल को दिखाने आई हूँ। दिखाओ एंजल, कस्टमाइज कर रहे हैं इसको। ओह माय गॉड, बट ये ग्रे अच्छा कलर है ना। पहन लो, नहीं फिर वो कैरी करोगे? कैरी कर लूंगा हां, पॉलिथीन में डलवा लो। साइज जरा चेक कर लेना। ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन, जो टॉय ट्रेन नीचे न्यू जलपाईगुड़ी से आती है वो यहाँ आके लास्ट स्टॉप होती है। और ये सारा नाइट व्यू है जो हम देखने आए हैं। एंजल इधर आओ, ये देख सारा दार्जिलिंग है। ये साथ में लगते लगते दूसरी और सिटी भी होंगी। ये देख ऊपर क्लाउड्स, इतना सुंदर, पता ये सबसे सुंदर लग रहे हैं है ना। ये क्लाउड्स ऐसे आपको ना फोन में वीडियो में इतने समझ नहीं आ रहे, रियलिटी में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, काले एकदम, ये बारिश वाले हैं। और ये सारे रेलवे ट्रैक्स हैं, ध्यान से आना, गला खराब हो गया। ये छोटे ट्रैक्स हैं ना टॉय ट्रेन के, हम जब छोटे थे ना एंजल यहाँ पे हमारी बहुत फोटो खींची हुई हैं, क्योंकि हम लोग ना इसी के आसपास ही रहते थे। आजकल तो क्राउड इतना आ गया, होटल्स दूर दूर मिलते हैं। ध्यान रख मेरा आगे पीछे। ये ट्रेन आ रही है, ये डीजल वाली है टॉय ट्रेन। एक आती है स्टीम इंजन वाली, तो यहाँ लिखा है ना फ्यूल टैंक, तो डीजल वाली है। देख कितने डब्बे होते हैं, एक दो तीन, तीन ही होते हैं शायद। और इसके अंदर ना कोई वॉशरूम है, और 8 से 9 घंटे की जर्नी होती है। इंजन है हाँ, ये ऊपर से देखो स्टीम निकल रही है ना इंजन, ये स्टीम इंजन है। ये कैसा लग रहा है नाइट व्यू दार्जिलिंग में? हाँ बोलो, रहने दे, अंधेरा है, आजा आजा आजा। सो नाइट व्यू इतना ब्यूटीफुल है दार्जिलिंग में, इवन हर हिल स्टेशन में नाइट व्यू बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे जो माल रोड है ना काफ़ी दूर थी, तो हम लोग टाइम से घर आ जाते थे, कह रहे थे सब कि बहुत लेट नाइट यहाँ पे बाहर नहीं निकलते, तो इसीलिए मैं ये सिर्फ नाइट व्यू दिखाने के लिए एंजल को रेलवे स्टेशन लाई हूँ, क्योंकि यहाँ से सिर्फ बड़ी मुश्किल आधा किलोमीटर ही हमारा होटल है। बस ये बस थोड़ा सा करके चलते हैं। स्टेशन के अंदर अंदर से जाते हैं हम, लाइट वाला एरिया देखते हैं। ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है जो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। ट्रेन तो हाँ, ये अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के बनाई हुई ट्रेन है। हाँ ब्रिटिशर्स ने दो ही जगह तो ट्रेन बनाई है, एक शिमला में और एक दार्जिलिंग में। हाँ आप गए भी हुए हो, बाकी तो सभी स्टेशन पे बाय रोड ही जाते हैं। चले, ये सारी रेलवे स्टेशन के साइड में मार्केट है और यहीं पे ट्रैफिक भी चल रहा है, और इसी के साइड में वहाँ जाके रेलवे ट्रैक्स भी हैं।
ट्रैफिक तो यहाँ का रुकता ही नहीं है। सुबह 3 बजे भी ट्रैफिक रहता है, रात को 1 बजे भी ट्रैफिक रहता है। सो ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये था मेरा डे 2 और कल मॉर्निंग में हम लोग बाय रोड 7 o'clock जाएंगे दार्जिलिंग से गैंगटॉक। उसके लिए हम लोगों ने कैब बुक करा ली है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे न्यू व्लॉग से अपडेट मिलते रहे। सो तब तक के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल। बहुत थक गए हैं, मुझे सारी पैकिंग भी करनी है, ये वीडियो अपलोड भी करना है। तो मेरी वीडियो आप साथ साथ देखिए एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल।